भाग के जाएगी? हाँ कहाँ भाग के जाएगी? तुझे तो सच बताना ही पड़ेगा। चल चल मेरे साथ। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चिमाई मल्हार, मल्हार जल्दी घर आना। क्या हुआ माई, सब ठीक तो है ना? मोक्ष की बात है, प्लीज जल्दी घर आना। ठीक है ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। पवार को फोन करता हूँ। Yes? मेरा नाम मल्हार राणे है, मैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। पॉसिबल है कि आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर दें प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। देखिए मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। क्या मैं आपकी आईडी देख सकती हूँ? अरे मैं आपके सामने वर्दी में खड़ा हूँ, आप आईडी मांग रही हैं? अब एक सेकंड, ये लीजिए। सॉरी ऑफिसर, एक्चुअली मैं ये सिटी में नहीं आई हूँ, और आप तो जानते हैं इंसान की अपनी सेफ्टी। हाँ, उसके खुद ही के हाथ में होती है, आई अंडरस्टैंड। क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ? यस प्लीज कम इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अब आप यहाँ से सीधा लेके लेफ्ट लेंगी ना, तो आपको हाईवे वापस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मोक्ष नहीं। मोक्ष। मोक्ष। नहीं मोक्ष, ऐसा नहीं करते, मेरी बात सुनो। मीना कुमारी आई, पहले आप मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, एक लड़की है तो मतलब है। मोक्ष। मोक्ष बेटे, ये क्या क्या कर रहे हो आप? ये देखो कांच पड़ा, हिलना मत, मैं आ रहा हूं आपको लेने। पापा, अब आगे मत बढ़ना। मोक्ष, नहीं तो मैं कांच में बैठ दूंगा। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। पहले आप लोग मानो कि गुनगुन है, वो लड़की है। देखो मोक्ष, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मोक्ष, क्या बेटा क्या कर रहे हो आप? ये पहले आप मानो वो है, तभी मैं सुनूंगा। कौन? मोक्ष, गुनगुन कहाँ है? कहाँ है गुनगुन? देखो वो गुनगुन आप सबके पीछे खड़े होकर मुझे चिढ़ा रही है। सबने देखा ना उसे? मोक्ष वहाँ कोई नहीं है। बाबा बोलो ना, आपने देखा ना उसे? देखो मोक्ष बेटा। हाँ बेटा, मैंने देखा। सच्ची आंटी, आपने देखा उसे? तो फिर आप बाबा और मीना कुमारी आई को बोलो ना कि वो है। हाँ बेटा, मैं बता दूंगी इन्हें। आंटी, एक आप ही हो जो आप मुझ पे बिलीव कर रही हो। ऑफ कोर्स बेटा, आप तो गुड बॉय हो ना, आपकी बात भला क्यों नहीं मानूंगी।
बैठ जाओ। आंटी आप सबको बोलो ना कि आपने गुनगुन को देखा। हाँ बेटा मैं सबको सब बता दूंगी, पहले आप लेट जाओ। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मोक्ष शांत हो गया है, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे। इट्स ओके, बच्चों को हैंडल करना मेरा काम है, मैं एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ। उत्तरा दीक्षित। हेलो। हेलो। अगर आप पुराना मानो तो मैं मोक्ष को उसके कमरे में ले जाऊं। एक्चुअली उससे बात करके उसे थोड़ा समझाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये इधर ही है मोक्ष का कमरा। चलो। बैठो इधर। एक मिनट। मोक्ष बेटा, उस लड़की के बारे में आपकी बात कोई नहीं मान रहा है ना? नहीं। ओ, पर मैं मानती हूँ और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है? पर आपको भी मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। जब भी मैं इस घुंघरू की आवाज करूंगी आप वही करोगे जो मैं कहूंगी। आंखें थोड़ी सी और बड़ी। देखो डॉली, तब तक सच बताना, नहीं तो इस बार पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। आठ बज गए हैं, बहुत देर हो गई, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, मेरा तो फोन भी टूट गया। काका प्लीज अपना फोन दीजिए ना। ठीक है, ले लीजिए। हेलो पवार। मल्हार जी, मैं कल्याणी बोल रही हूँ। कल्याणी कहाँ हो तुम ठीक हो ना? सब ठीक है, कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। हाँ मल्हार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली डॉली को पकड़ने के चक्कर में ना मेरा फोन टूट गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? हाँ मल्हार जी, हमें मेरी बहन का लोकेशन तो पता चल गया, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन मैं डॉली को यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर आ गई हूँ। मैं डॉली से मेरी बहन का स्केच बनवा रही हूँ ताकि हमें मेरी बहन को ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, तुम वहीं रुको पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं नहीं मल्हार जी, मुझे यहाँ थोड़े टाइम और रुकना पड़ेगा। आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा वैसे सुनिए ना, पिल्लू से बात करवा दीजिए। सुबह से बाहर हूँ। कल्याणी वो तो सो गया है। ठीक है, मैं आके बात कर लूंगी उससे। ठीक है। मैम स्केच रेडी है। माई वो कल्याणी से बात हुई थी, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मोक्ष कहाँ है? वो अपने कमरे में है, सो रहा है। अब बैठो। उत्तरा जी थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो पता नहीं मोक्ष को कैसे संभालते हम लोग।
आज तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था वो, ऐसा नहीं करता वो। मुझे चिंता इस बात की थी कि कहीं मोक्ष खुद को चोट ना पहुंचा ले। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। मेरे कई पेशेंट हैं जिन्होंने इमेजिनरी फ्रेंड्स बना के रखे हैं और वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। लेकिन 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 क्या उत्तरा जी? मोक्ष के सिम्टम्स भी और पेशेंट की तरह ही हैं, लेकिन वो इतना वायलेंट कभी नहीं होते। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, मोक्ष बहुत छोटा है, इतनी छोटी उम्र में इतना वायलेंट होना अच्छी बात नहीं है ना। बस मैं इतना कहूंगी कि आप जल्द से जल्द किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए। मैं कुछ नंबर शेयर कर सकती हूँ। अरे लेकिन आप भी तो साइकेट्रिस्ट है ना, आप क्यों नहीं देख लेती? मैं फीस की फिक्र मत कीजिए, वो मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। प्लीज, फीस की कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए मेरे पेशेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो फिर तो पेशेंट आपके सामने ही है, प्लीज मान जाइए। ठीक है, एक काम कीजिए, आप मोक्ष का ध्यान रखिए और उस पे नजर रखिए। जी चलती हूँ, बाय। थैंक यू। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होगी तुम्हारे बेटे से कल्याणी। एक एक करके सबको वैसे मारूंगी जैसे तुमने मेरे अभिमन्यु को मारा था। उत्तरा, आप तो जा रही थी ना? एक्चुअली मैं जा ही रही थी, मोक्ष की फोटो दिख गई ना तो रुक गई। अच्छा, एनीवेज मैं चलती हूँ। वैसे आप कहाँ रहती है? मैं मार्केट के पास ही मेरा फ्लैट है। अच्छा, तो अकेली रहती है या फिर फैमिली? अभी अकेली हूँ। ओह, और प्रैक्टिस, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हैं? एक्चुअली दोनों, हॉस्पिटल की शिफ्ट के बाद मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स लेती हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। कल्याणी, बहुत देर कर दी तूने। हाँ, वो जरा काम में बिजी हो गई थी। हाँ, ये है डॉक्टर उत्तरा दीक्षित और ये है मेरी बेटी कल्याणी। हाय। हेलो डॉक्टर, बहुत सुना है आपके बारे में। अच्छा, किससे? अखबार, अखबार में पढ़ा था। अच्छा, वैसे आई? सब ठीक तो है ना? घर में डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? काका कैसे हैं? ठीक है ना वो? हाँ हाँ, सब ठीक है। वाह,
मोक्ष, पिल्लू? मोक्ष देखो मेरी बात तो सुनो, चीजें क्यों फेंक रहे हो? मोक्ष मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से जाओ। मोक्ष ये क्या बात? अपने पिल्लू, पिल्लू ये मोक्ष, मोक्ष क्या कर रहे हो? बाबा क्या हो गया तुझे? जाओ। मन्ना जी क्या हो रहा है सब? देखो ना कल्याणी, समझ में नहीं आ रहा है, सुन ही नहीं रहा है मेरी। कल्याणी तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पिल्लू जाओ यहाँ से, सब लोग, मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी। मोक्ष देखो मैं आई के पास आ जा। शांत बेटा, कुछ नहीं हुआ। आप ठीक हो? मलाय जी क्या कर रहे हैं आप? लेकिन तुम लोग नहीं समझ रहे हो, अगर मेरे पिल्लू ने एक बार कह दिया ना कि गुनगुन है तो मतलब गुनगुन है। कल्याणी देखो हम समझते तुम उसकी माँ हो, लेकिन अपनी ममता में इतनी भी अंधी ना हो कि तुम्हें रियलाइज ना हो कि उसकी इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। और एक सेकंड, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई जीती जागती बच्ची घूम रही होगी तो हम लोगों को दिखाई नहीं देगी क्या? और तुमने खुद ही कहा था ना कि मोक्ष अजीब सा बिहेव कर रहा है, अजीब सा रिएक्ट कर रहा है हर चीज को लेके, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि एक बच्ची है जो उसे परेशान कर रही है। देखो कल्याणी समझने की कोशिश करो। आई समझ तुम नहीं रही हो। आई मुझे मेरे बच्चे पे पूरा भरोसा है, अगर उसने कहा है कि कोई है मतलब कोई है, मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। पर आपको भी मनहर जी, डॉक्टर को बुलाने की जगह ना आपको आपके बच्चे पे भरोसा करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि मोक्ष बीमार है या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी नहीं सुनी, लेकिन जब डॉक्टर आई तो उसकी सुन के वो शांत हो गया है ना। रोली मलाजी, आपको सच में लगता है कि मेरी इतनी छोटी सोच है? I don't believe this. आपको सच में लग रहा है कि पिल्लू की हेल्थ से ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा ईगो है? कल्याणी बस मलाजी, आपने आपकी दिल की बात कहती ना, आप मेरी बात सुनिए। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि पिल्लू एक डॉक्टर की बात मान रहा है, वो पिल्लू एक डॉक्टर की वजह से शांत हो रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपके बेटे को समझ नहीं रहे हैं। ना तो आप और आप पिल्लू को समझ पा रहे हो, ना ही मुझे। कल्याणी बात तो आप दोनों पिल्लू को समझे ना समझे, उस पे भरोसा करे ना करे, मुझे मेरे बच्चे पे पूरा भरोसा है। मेरी बात तो सुनो कल्याणी, तुम समझ इतनी हाई पर। कल्याणी कल्याणी माई देखा आपने?
ये तो सिर्फ शुरुआत है कल्याणी, एक एक करके तुम्हारा हर अपना तुमसे ऐसे ही दूर चला जाएगा।